हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं यूनिट 3, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी चैप्टर। इसमें देखते हैं, सबसे पहले दी है एक्टिविटी 1, विलियम सिडनी पोर्टर। इनको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इनके पेन नेम ओ हेनरी से जानते हैं। ये एक अमेरिकन राइटर थे। ओ हेनरी की जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो अपनी विट यानी कि जो एक मज़ेदार तरीके से बनाते हैं, क्लेवर होती हैं, जो उसके लिए जानी जाती थी। वर्ड प्ले, इसमें शब्दों का खेल होता था। वॉर्म कैरेक्टराइजेशन मीन्स जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही कलात्मक तरीके से बताया जाता था, और सीधी साधी एंडिंग नहीं होती थी, कहीं ना कहीं इसमें एक ट्विस्ट होता था। तो इस तरह की जो शॉर्ट स्टोरीज वो लिखते थे उसके लिए ओ हेनरी काफ़ी फेमस थे। इनका जो जन्म है वो 11 सितंबर 1862 को नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था, और इनकी जो डेथ थी वो 5 जून 1910 को हुई। दिसंबर 1903 से लेकर जनवरी 1906 तक ओ हेनरी ने स्टोरी लिखी अ वीक न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन के लिए, और कई सारी इनकी और जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो और बाकी मैगजीन्स में पब्लिश हुई। इनकी जो फेमस राइटिंग्स हैं या फेमस शॉर्ट स्टोरीज जो थी उनमें है द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ मजाई, द फर्निश रूम, कैबेजेस एंड केक्स। अब यहाँ पर जो एक स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स, ये टिपिकल ओ हेनरी एक तरह से कह सकते हैं स्टाइल ऑफ स्टोरी है। इसमें जो कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रे किए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो हमें हमारी अपनी जो वैल्यूज़ हैं उस पर कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन, एक छाप जो है वो दिखाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को कंसीडर कर सकते हो, जिसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी हेनरी से रिलेटेड। अब यहाँ पर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, ये सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आप उसको क्यों पसंद करते हो, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, आप उसे क्यों पसंद करते हो, और फ्रेंडशिप से आप क्या मतलब समझते हो। फ्रेंडशिप मीन दोस्ती, एक दोस्ती हर तरह की, हर एक से नहीं की जाती, कुछ खास अलग दोस्त होते हैं, तो वो जो दोस्ती होती है वो किन कारणों से होती है, आप उस दोस्ती को कैसे समझा सकते हो, ये आपको बताना है। अब देखते हैं इसमें दी हुई है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में जो है यहाँ पर आपको आफ्टर 20 ईयर्स जो स्टोरी है वो एक तरह से बताई गई है, तो हम बजाय इसको लाइन बाय लाइन चलने के एक इस ओवरऑल स्टोरी का मतलब क्या है आपको वो बताते हैं। ये जो स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स, ये ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है और इसको सेट किया गया है न्यूयॉर्क में। लगभग रात के 10 बजे का वक्त था। एक पुलिसमैन जो है वो अपने रेगुलर रूट पर था, और उसने अचानक से एक आदमी को अंधेरे में खड़े देखा, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर लोग उस जगह नहीं खड़े होते थे, तो उसको ये लगा कि ये आदमी अंधेरे में यहाँ पर क्यों खड़ा है। वो जो आदमी था वो एक बहुत ही अंधेरे के जो हार्डवेयर स्टोर होता है, डार्क थे उस जगह पे, वहाँ पर हार्डवेयर स्टोर के सामने खड़ा हुआ था, और उसने जो है अपना सिगार जलाया। जैसे ही पुलिस ऑफिसर जो है वहाँ पर आकर खड़ा हुआ तो उसने कहा कि वो जो है अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा है। फिर उसने पुलिस ऑफिसर को बताया कि उन लोगों ने जो है 20 साल पहले एग्रीमेंट किया था कि वो आज ही के दिन यहाँ पर 20 साल बाद इस रेस्टोरेंट के बाहर 10 बजे मिलेंगे। आज की डेट में यहाँ पर जो है एक हार्डवेयर शॉप खुली हुई है, जबकि पहले यहाँ पर जो है एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बिग जोई ब्रैडीज रेस्टोरेंट। तो पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि हाँ, ये जो रेस्टोरेंट था ये 5 साल पहले जो है यहाँ से हट गया, और अब उसकी जगह एक हार्डवेयर शॉप आ गई है। अब वो जो आदमी हार्डवेयर शॉप के बाहर खड़ा था उसने अपना जो सिगार था उसे जलाया। तो जब उसने सिगार को जलाने के लिए जो भी माचिस थी उसे जलाया, तो उसके चेहरे पे जो लाइट पड़ी उससे पुलिस ऑफिसर ने उसका चेहरा देख लिया। तो उसने पाया कि उसका चेहरा काफ़ी पेल था, उसका जो फेस था वो काफ़ी जो स्क्वायर जॉड था, मतलब उसका जो जबड़ा है वो स्क्वायर उसका फेस का था, फेस कट का, और उसकी आंखें बहुत शार्प थी। उसके राइट आईब्रो के ऊपर एक वाइट स्कार यानी मार्क भी था, और उसने जो स्कार्फ पिन पहनी हुई थी उसमें जो है डायमंड्स जो है लगे हुए थे। तो इससे जो है उसने एकदम से उसके चेहरे पर जब निगाह पड़ी तो उसने उसको देख लिया। अब ये जो आदमी डोरवे के पास खड़ा हुआ था, इसने अपनी लाइफ जो है उसको नरेट करना शुरू किया पुलिस ऑफिसर को। उसने बताया कि उसका नाम जो है वो बॉब है। 20 साल पहले उसने अपने जो बेस्ट फ्रेंड था जिमी वेल्स उसके साथ इसी रेस्टोरेंट में डिनर किया था। फिर ये जो है वेस्ट चला गया अपनी किस्मत बनाने के लिए, जबकि जिमी ने जो है डिसाइड किया कि वो जो है न्यूयॉर्क में ही रहेगा।
उस रात उन्होंने एग्री किया था कि वो लोग एक दूसरे से फिर मिलेंगे 20 साल बाद इसी स्पॉट पर। तो वो जो है आज वेस्ट से न्यूयॉर्क इसी के से मिलने के लिए आया है। अब तक पुलिस वाला जो था वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था उनके बातों में, जो वो बात कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। और उसने फिर ये जानने की कोशिश करी कि भाई इतने साल हो गए तुम लोगों को अलग हुए, क्या तब कभी तुमने एक दूसरे से कांटेक्ट किया, क्या एक दूसरे के बारे में सुना? तो बॉब ने जो है रिप्लाई करते हुए कहा कि उनकी कुछ साल तक तो एक दूसरे से बातचीत थी, पर फिर धीमे धीमे वो बंद हो गई और ये लोग बिल्कुल अलग हो गए। वहीं जो बॉब था, यानी वो जो आदमी हेड हार्डवेयर की शॉप के बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा था, अब हम ऐसे डिफाइन करते हैं बॉब जो वहाँ खड़ा था और जिमी जो पुलिस ऑफिसर है। तो वो जो बॉब था उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि जो उसका फ्रेंड जिमी है वो उस स्पॉट पर उससे मिलने ज़रूर आएगा अगर वो ज़िंदा होगा। तो उसने जो है जिमी को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि वो जो है स्टॉन्चेस्ट चैप कहा जा सकता है पूरी दुनिया का। अब स्टॉन्चेस्ट का मतलब होता है बहुत ही कट्टर, जैसे एक होते हैं ना बहुत ही गहरे दोस्त थे। फिर उसने अपनी घड़ी निकाली पॉकेट से, अब वो भी जो है डायमंड से, छोटे छोटे डायमंड से जैसे कहते सजी हुई थी। उसने समय देखा और उसने कहा कि एग्जैक्टली 10 o'clock पर ही जो है ये लोग पहले यहाँ से अलग हुए थे इस रेस्टोरेंट से। अब ऑब्वियसली बात है इतना डायमंड था, इतना वो वेल्दी दिख रहा था, तो पुलिस ऑफिसर ने भी उसकी वेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दिया कि मतलब भाई आदमी काफ़ी रिच है। और फिर उसने रिमार्क करते हुए कहा कि आपकी जो सक्सेस है कि आप इतनी रिच हो गए हो, इतना कैसे है, तो ये कैरियर और उसके बारे में कुछ जानकारी दो। अब ऑफिसर का जो रिमार्क था उसको सुनते हुए उसने कहा कि हो सकता है जिमी ने जो है इतनी ज़्यादा वेल्थ ना इकट्ठी करी हो, क्योंकि वो जो है बहुत ही एक नॉर्मल सीधा साधा सा वर्कर था। जिमी एक ऐसा इंसान था जो काफ़ी स्लो था एम्बिशंस में अपने या ड्रीम्स में बॉब के कंपैरिजन में, और शायद यही कारण था कि जिमी जो है वो न्यूयॉर्क छोड़ने में थोड़ा सा झिझक रहा था, जैसा बॉब बताते। अब पुलिस ऑफिसर जो है फिर उसको गुड लक विश करता है और कहता है कि ठीक है जो अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा है उसके लिए। तो बॉब कहता है कि ठीक है वो जो है अभी आधा घंटा कह सकते हैं कि और उसका वेट करेगा और उसके बाद जो है फिर वो यहाँ से चला जाएगा। फिर क्या होता है कि 20 मिनट के बाद एक और आदमी जो है वहाँ पर आता है, जो कि एक लंबा सा आदमी था और लंबा ही ओवरकोट पहने हुए था, जिसमें उसने अपने जो कॉलर थे उसके ओवरकोट के वो ऐसे कर रखे थे कान तक उसके जो हैं वो ढके हुए थे। और वो बॉब के पास आता है, डायरेक्टली वो बॉब के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम बॉब हो, ऐसे जैसे डाउटफुल उसमें। फिर वो जो अभी आदमी आया था वो खुशी जाहिर करता है अपने फ्रेंड से मिलकर, और पुरानी जो रेस्टोरेंट थी उसके बारे में बताने लगता है कि अब वो यहाँ पर नहीं है। फिर वो जानता है, कोशिश करता है जानने की कि बॉब की लाइफ जो है वेस्ट में कैसी थी। अब बॉब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने जो है इतने दिनों बाद अपने फ्रेंड्स को मिला था, तो उसने अपने बताना शुरू कर दिया वेस्ट के बारे में कि उसने वहाँ पर क्या क्या किया। और उसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक अचंभा सा हो रहा था कि इतना सारा बदलाव उसको अपने फ्रेंड के उसमें देखने को मिल रहा है। फिर वो बताता है कि बॉब जो है कि वो जो है किसी एक सिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, और फिर उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना हम एक जो है अपने पुराने समय को याद करते हुए जो एक लंबी सी वॉक लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है बॉब जो है काफ़ी ज़्यादा अपना ऐसे होता ना ईगो होती कि हाँ मैं कितना रिच हो गया हूँ, तो बॉब जो है अपनी लाइफ के बारे में जो भी उनकी वेस्ट में थी वो जो है उसके बारे में बताते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि कैसे उन्होंने जो है इतना अच्छा जो है एक फॉर्च्यून उसका हुआ कि उसने इतनी वेल्थ कमाई। जबकि जो दूसरा वाला था वो चुपचाप अपने ओवरकोट में मुंह छुपाए उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर बहुत ही जल्दी जो है वो लोग एक ड्रग स्टोर के सामने पहुँचते हैं। अब वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो जो इलेक्ट्रिक लाइट थी उसमें जो है वो देखता है बॉब कि ये जो आदमी है इसका जो चेहरा है ये थोड़ा अलग है, ये तो जिमी नहीं है। तो वो जो दूसरा आदमी था वो क्या कहते हैं फौरन बोलता है कि भाई तुम जो हो अंडर अरेस्ट हो। शिकागो पुलिस जो है उसने पहले ही वार्न कर दिया था हमें कि एक सिल्की बॉब नाम का जो आदमी है वो न्यूयॉर्क आ रहा है। अब ये जो लंबा सा पुलिस ऑफिसर था इसने बॉब से कहा कि भाई तुम्हारे बारे में हमें पहले ही पता था कि तुम यहाँ पर आ रहे हो, कि तुम वांटेड हो।
और फिर उसने एक नोट दिया। उसने कहा ये जो नोट है मेरे को अभी जो पेट्रोलमैन वेल्स थे उन्होंने दिया है। बॉब ने वो नोट लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। वो जो पुलिस ऑफिसर उस टाइम पे उसको एक पुराने रेस्टोरेंट के बाहर जो दिखा था, एक्चुअल में वही जो है उसका फ्रेंड जिमी था। जिमी ने उसे पहचान लिया था, पर वो जानता था कि ये तो भाई वांटेड क्रिमिनल है जिसका नाम सिल्की बॉब है, पर क्योंकि बॉब उसका फ्रेंड था वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने क्या किया, उसने जो है एक और आदमी को वहां पर भेज दिया। अब जिमी जो है वो एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड था, उसने भी बॉब का इंतजार किया 20 साल तक। पर जब उसे ये लगा कि जो बॉब वहां पर उससे मिलने आया है वो कहीं ना कहीं अब आज की डेट में एक क्रिमिनल बन चुका है, तो उसने अपने जिमी ने अपने एक नैतिक जो एक होता है ना आधार पर, उसने जो सही था वो किया, यानी उसके अकॉर्डिंग उसकी जॉब वर्स्ट थी, तो उसने जो है उस अपने फ्रेंड को जो है पकड़वा दिया। लेकिन क्योंकि वो उसका खुद का फ्रेंड था इसलिए उसने खुद नहीं अरेस्ट करके किसी दूसरे को भेजा। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो एक तरह से रीडर्स के ऊपर छोड़ते हैं कि अब तुम तय करके बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सही था। जिमी ने जो है एक अपने आप को अच्छा फ्रेंड साबित किया, पर इससे एक ये भी साबित होता है कि वो जो है अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा कटिबद्ध था। वहीं बॉब ने भी जो है अपनी किस्मत सवारी, अब जो भी कहो, चाहे उसने इलीगल तरीके से ही काम किया, अपनी किस्मत ने उसने खूब सारा पैसा कमाया, पर कहीं ना कहीं वो जो है अपनी ईगो और सक्सेस के उस बहाव में बह गया। तो ये जो स्टोरी है ये है आपकी आफ्टर 20 ईयर्स। अब इसके बाद इसके बेसिस पर एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी जो है आप नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।